उच्चतम न्यायालय ने राज्य शिक्षा बोर्डों को 12वीं कक्षा के आंतरिक मूल्यांकन के परिणाम 31 जुलाई तक घोषित करने का निर्देश दिया। देश में कोरोना के खिलाफ महाअभियान में अब तक 30 करोड़ 72 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 51,667 नए मामलों की पुष्टि, वहीं 64,527 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 212 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 355 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। डेढ़ करोड़ टीके लगाने वाला बिहार देश का 8वां राज्य बना। पिछले 24 घंटे में 2,13,000 लोगों का टीकाकरण किया गया। बिहार भाजपा के संगठन में फेरबदल हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नए पदाधिकारियों की सूची जारी की है। प्रदेश के कई जिलों में सरकार ने कृषि विभाग के 73 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। 13 जिलों में नए कृषि पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। देश के 6 राज्यों में विकसित होगी मुजफ्फरपुर की लीची। लीची की 3 प्रजातियों के 50-50 पौधे भेजे जाएंगे। वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर 90 कार्टन हरियाणा निर्मित विदेशी शराब बरामद किया। बरामद शराब की कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। और वैशाली जिले में महुआ अनुमंडल अंतर्गत सिंघाड़ा से पुलिस ने ब्रांडेड कंपनी के नकली कॉस्मेटिक सामान बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया।